भारत और बांग्लादेश के बीच वुमेन्स कप का मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 159 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए और 160 का टारगेट बांग्लादेश की टीम को दिया। भारतीय टीम ने इस दौरान अपने 5 विकेट खोए और टीम इंडिया के लिए स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा समेत तमाम बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। जैमिमा ने भी इस मैच में टीम इंडिया के लिए 35 रन की नबादपारी खेली और भारतीय टीम को इतने बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा ने भारतीय टीम को 96 रनों की शुरुआत दी। इसके अलावा शेफाली वर्मा की बात करें तो टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले में एकमात्र अर्धशतक शेफाली वर्मा ने ही लगाया। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 44 गेंदों का सामना किया और 55 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 125 का रहा। आपको बता दें कि शेफाली वर्मा आउट होने से पहले अपनी पारी के लिए कमाल की बल्लेबाजी कर चुकी थी। इसके अलावा रुमाना अहमद ने उन्हें क्लीन बोल्ड करके पवेलियन वापस भेजा। शेफाली वर्मा के रूप में भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा और वह 15वें ओवर में आउट हुई थी, लेकिन इसी के साथ शेफाली वर्मा ने कई बड़े रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर लिया और दिग्गजों की लिस्ट में वह शामिल हो गई हैं। शेफाली वर्मा की बात करें तो भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महिला फॉर्मेट में 1000 रन पूरे करने वाली शेफाली वर्मा भारत की 5वीं खिलाड़ी बन गई हैं। बात करने के लिस्ट की तो सबसे ऊपर हरमनप्रीत कौर का नाम है। हरमनप्रीत कौर अब तक 135 मुकाबले में 2647 रन बना चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा बात करने अगर दूसरे नंबर की तो स्मृति मंधाना का दूसरा नंबर है, जो कि 99 मुकाबलों की 96 पारी में 2373 रन बना चुकी हैं। और मिताली राज इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जिनके नाम 2364 रन है और वह अब तक 89 मुकाबले खेली थी। वहीं जैमिमा रोड्रिग्स भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने 63 मुकाबलों में 1461 रन बना लिए हैं। इसके अलावा शेफाली वर्मा इस लिस्ट में अब जैमिमा के बाद आ गई हैं, जिनके नाम 43 मुकाबलों की 43 पारियों में 1036 रन हो गए हैं। शेफाली वर्मा के T20 करियर की बात करें तो उनका हाई स्कोर 73 है। उनका एवरेज 24.66 का है। इसके अलावा उनका स्ट्राइक रेट 134.72 का है, जो कि हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, मिताली राज और जैमिमा से भी काफ़ी ज़्यादा है। शेफाली वर्मा की बात करें तो वह भारत के लिए सबसे तेज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी हैं। इसके अलावा वह दिग्गजों की लिस्ट में भी शामिल हो गई हैं और भारत के लिए 5वीं ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1000 रन T20 में पूरे किए हैं। क्या कुछ आपकी राय है उनके इस बड़े रिकॉर्ड को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।